देश में लगे चार लॉकडाउन के बाद 1 जून से देश को अनलॉक किया गया, जिसके बाद अलग अलग फेजेस में देश को और खोला गया, जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है और हालात बेहद खराब हो चुके हैं। भारत सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया है, जिससे देश की टेंशन बढ़ गई है। इस छूने से फैलने वाली बीमारी ने हर किसी के जहन में जिंदगी जाने का डर बैठा दिया है। हालांकि भारत में रिकवरी रेट 49.94% है, लेकिन फिर भी बाकी के 50% लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा दे रहे हैं, जो कि भयानक है, डराने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,458 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 386 लोगों की मौत हो गई है। भारत में कुल मरीजों की संख्या 3 लाख को पार करते हुए 3,08,993 से ज्यादा हो गई है। अभी तक इस वायरस की चपेट में आकर देश में 8,884 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माना जा रहा है कि देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम मोदी जल्द ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक 16 या फिर 17 जून को होने की संभावना है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते प्रधानमंत्री का देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत का ये छठा दौरा होगा। पिछली बातचीत 11 मई को की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोविड को लेकर देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की थी। देश में अभी सबसे ज्यादा जिस राज्य को संभालने की जरूरत है वो महाराष्ट्र है। हालांकि दिल्ली में भी हालात अब खराब होते जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र तो कोरोना संक्रमितों के मामले में चीन और कनाडा को भी पीछे छोड़ चुका है। जिस रेट से महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो बेहद भयानक है।